दोस्तों मसलब्लेज ने नया प्री वर्कआउट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है प्री वर्कआउट 300। क्या ये अच्छा प्री वर्कआउट है या जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मसलब्लेज प्री वर्कआउट 300 में आपको 31 सर्विंग मिलेंगे। इसका फ्लेवर है फ्रूट पंच। इसका इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं, इसमें 300 मिलीग्राम कैफेन, एल सिट्रुलिन एंड एल आर्जिनिन है 4500 मिलीग्राम, 2000 मिलीग्राम इसके अंदर है BCAA एंड 5 मिलीग्राम बायोपरीन। इसमें कोई भी क्रिएटिन वगैरह एडिट नहीं है, ना कि कोई भी कार्ब या प्रोटीन, जो कि किसी भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के लिए नेसेसरी नहीं होता। दे एडेड 300 मिलीग्राम कैफेन, इसके सर्विंग है 8 ग्राम। आप 4 मिलीग्राम कैफेन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ले सकते हैं, तो 75 केजी का कोई भी बंदा इसे ले सकता है, क्योंकि रिकमेंडेड डोजेज है 250 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम तक, बट 90 केजी के बंदे के लिए ये कम पड़ेगा। सो 300 मिलीग्राम कैफीन काफी सारे लोगों के लिए अच्छा है। इसमें बायोप्रिन भी दिया गया है। बायोप्रिन एक ब्रांड है जो ब्लैक पेपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पेटेंटेड है। बायोप्रिन अदर न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो बायोप्रिन 5 मिलीग्राम दिया गया है इसमें, जो कि ठीक ठाक है। इसमें है एल-आर्जिनिन अल्फा कीटोग्लुटामेट AAKG 1500 मिलीग्राम। कंपनी ये दावा करता है कि ये AAKG मसल पम्प देता है और वर्कआउट के दौरान जरूरी न्यूट्रिएंट्स को मसल में सप्लाई करता है, बट रिसर्च कुछ और ही बातों को बयां करता है। एल-आर्जिनिन नॉट बेनिफिशियल फॉर मसल पम्प और इंक्रीजिंग योर परफॉर्मेंस। रिसर्च से ये पता चला है कि एक ग्रुप को 3 ग्राम AAKG यूज करने दिया गया है और दूसरे ग्रुप को बोला गया है, लेकिन AAKG नहीं दिया गया है, लेकिन दोनों ही ग्रुप के रिजल्ट लगभग सेम मिले पंपिंग ऑन परफॉर्मेंस के मुताबिक। मतलब AAKG एक प्लासिबो इफेक्ट क्रिएट करता है। रिसर्च का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। जस्ट क्लिक इट एंड रीड इट। इसमें BCAA भी एडिट किया गया है, जो कि काफी अच्छा है। दे एडेड 2 ग्राम BCAA, मतलब एल-ल्यूसीन आइसोल्यूसीन एंड वैलिन कौन कितने मात्रा में है ये मेंशन नहीं किया गया है। एल-ल्यूसीन मसल में प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है और मसल ब्रेकडाउन को हील करता है। इसमें मौजूद है एल-सिट्रुलिन मैलेट, दिस इज मेन पंपिंग इंग्रेडिएंट। एल-सिट्रुलिन एक एमिनो एसिड है जो कि बॉडी में आर्जिनिन के लेवल को इंक्रीज करता है, लेकिन इसमें पहले से ही एल-आर्जिनिन दिया गया है, बट ज़्यादा एल-आर्जिनिन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं एल-आर्जिनिन की। सिट्रुलिन मैलेट 3 ग्राम इसमें दिया गया है, मतलब 2:1 रेशियो में, यानी 2 ग्राम सिट्रुलिन और 1 ग्राम मैलेट, जो कि रिकमेंडेड डोजेस से बहुत ही कम है। सिट्रुलिन मैलेट के रिकमेंडेड डोजेस है 6-8 ग्राम, सो इट इज अंडर डोज। दोस्तों आप सोच रहे होंगे डोज को लेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा, रुकिए इतना जल्दी का है भाई। अगर आप डोज को लेंगे तो आपको 6 ग्राम सिट्रुलिन मैलेट तो मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब आप 2 स्कूप कैफीन लेंगे, मतलब 3 ग्राम सिट्रुलिन मैलेट के चक्कर में आप 600 मिलीग्राम कैफीन अपने बॉडी में डाल रहे हैं। टू मच कैफीन इज नॉट गुड, क्योंकि कैफीन इज एंटी पंपिंग इंग्रेडिएंट फॉर जो लोग 1 घंटा या 2 घंटा जिम करते हैं। मतलब लेग डे में आप इसे यूज करेंगे तो आपको पहले तो शुरू में ज़्यादा एनर्जी आएंगे, बट धीरे धीरे आप ज़्यादा थकान महसूस करने लगेंगे, जिसे शायद कैफीन क्रैश कहा जाता है। कुछ विटामिन इसमें दिया गया है, नियासिन, विटामिन B3 एंड B6, जो कि बेसिक से, मतलब इसका होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। सो एल-आर्जिनिन डज नॉट वर्क, सिट्रुलिन मैलेट अंडर डोजेस, BCAA बहुत ही कम है। तो भाई लोग 1799 में ये डील अच्छा नहीं है। ये अंडर डोजेस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के लिए इतना मुझे तो ठीक ठाक नहीं लगता। तो भाई लोग अपने हार्ड अर्निंग को बचाइए। तो इंडिविजुअल सिट्रुलिन मैलेट आप खरीद सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। और मेरे नए दोस्तों से गुजारिश है, हो सके तो भाई सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजाना मत भूलना।